मिट्टी करके भेजी नहीं, मैं नहीं पीना, मैं तो समझती। मैं बुद्धू ना बने, इसलिए मैं कहूंगी मैं थकी हुई हूँ और मैं नहीं बनाऊंगी। ये मैंने लिया 700 की और ये एक लिया हमने हर प्यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब आपकी बहन जो है ना वो बहुत ज़्यादा शौकी हो गई है। एक दिन बाय ढाबे की चाय क्या पीने की है, दोबारा से उसका बहुत दिल कर पड़ा। सो मैं, अम्मी और मेरे बड़े भाई और दानियाल भट्ट साहब और अमार, हम लोग सुबह सुबह जब दूध लेने के बहाने ना हम लोग झूला लेने के चक्कर में ना बाहर चले जाते हैं। और जब मैं बाहर आती हूँ और भी मेरा दिल चाय पे करने लग जाता है। और आज हमने घर पे चाय नहीं पी थी, सो मैंने सोचा आज फिर क्यों ना ढाबे की चाय पी जाए। और पानी भी हम लोगों ने बनना था तो हमने सोचा यहीं से बाहर लेते हैं। सो ये जनाब हमारी चाय आ गई थी और इतनी मज़े की यह चाय बनाती है। अच्छा, आज मैंने उनसे फीकी चाय बनवाई थी। मैं पिछली बार ना मुझे वो थोड़ा सा ना ज़्यादा ही मीठा फील हो रहा था कि मतलब लोग अक्सर ना ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं चाय में, और मुझे पसंद है बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि हो लेकिन ऐसा हो कि आपको फील ज़्यादा ना हो कि मीठी है। सो मुझे रंग जो है चाय का वो डार्क और मीठा जो है ना वो कम। वो कहते हैं ना पानी ठोक के नहीं पानी रोक के तो पत्ती ठोक के। सो बस उसी तरह का है कुछ। ओहो, अब मसला ये हो गया कि हम खाने में उसके बाद ना वापसी पे ना या हमारे रास्ते में ना आता है एक दरबार सा बना है। मुझे नहीं पता है किन का दरबार है और यहाँ पे क्या क्या मानते हैं लोग मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसी जगह पे जाना बहुत अच्छा लगता है। अंदर तो हम नहीं गए क्योंकि मैं बच्चों को ना सिर्फ ये डक्स और गूस वगैरह जो थी ना वो देखनी थी उन्होंने। सो मैंने सोचा कि वो भी देख लेंगे और मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा ना इनके एग्स देखने के। इनके एग्स बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े और हैवी एग होते हैं ना, समझ लें चिकन एग जो होता है ना उसका जो 3 एग मिला के ना इनका एक एग बनता है, इतना बड़ा इनका एग होता है। तो वी आर गोइंग टू फाइंड सम एग्स राइट नाउ। दान नहीं करो, मारेंगी आपको। नहीं शो यू, ये जगह मुझे इतनी प्यारी लगती है, अंदर से बड़ी खूबसूरत होती है। मार्बल सा लगा था लेकिन मुझे देखना है कि एग्स किधर है, तो आई थिंक किधर होंगे एग्स। यस नो, कोई एग नहीं, कोई एग नहीं। अच्छा ठहर जो, अब भी नहीं करना, ठहरना। कोई एग नहीं है और भट्ट साहब को आ गया पीपी। वो बस वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों ने इंजॉय किया और मुझे भी बहुत मज़ा आया ना यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके। बहुत सुकून सा होता है ऐसी जगहों पे ना अमूमन। और वो बहुत सुबह का टाइम था तो कोई रश भी नहीं था, कोई बंदा भी नहीं था सिवाय हमारे, तो बहुत मज़ा आया। तो जनाब वापस आ गए थे, मैंने घर के सारे साफ़ सफाई के भी काम कर लिए थे। और यहाँ पर ना आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई कपड़े शपड़े सिलाई नहीं करने लगी। मैंने ना अपनी साइड टेबल्स के लिए शीट खरीदी थी प्लास्टिक की। सो इसके ऊपर ना पहले जो मैंने आपने देखी होगी मैंने जो डाली होती है, मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे पहले ग्लास था वो मैंने उतरवा दिया था। जब बच्चे छोड़ते ना तो दानियाल को एक बार लग गया था तो मैंने उसी वक्त ना वो उतरवा दिए थे और उसकी जगह ना मैं शीट्स डालती थी। और वो सालार जो है ना वो खींच के फाड़ देता है, तो पहली वाली उसने फाड़ दी हुई थी तो अब मैं ये दूसरी वाली लेके आई हूँ। इनका स्टफ़ जो है ना थोड़ा सा मोटा है और मैंने ना कोई डिफरेंट कलर की भी नहीं लेनी थी, प्लेन मैं ढूंढ रही थी, प्लेन मिली नहीं कि फर्नीचर कलर की मैच हो जाए। तो यही बस एक डिज़ाइन मैच हुआ तो मैंने सोचा टाइम पास के लिए अच्छा है। तो इस बार मैंने नीचे ना डबल टेप भी लगाई है, आप देख सकते हैं कि अभी से अमार जो है ना वो खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था साथ ही, पर मैंने लगा दिया। देखते हैं कुछ टाइम तो निकल ही जाएगा, लेकिन इससे ना थोड़ी स्टडी सी हो जाती हैं और फिर अपनी जगह से बार बार हिलती नहीं है। और बच्चे हैं ना, ये अमार है ख़ास तौर पर, अब ये क्रॉलिंग स्टेज पे है ना, तो ये दराज वगैरह खोलता है, पकड़ के चीज़ों को चलता है ना जब, तो वो दराज़ों की तरफ आजकल बहुत आ रहा है। तो इसलिए मैंने इसका जो शीट थी ना ये पीछे की तरफ ज़्यादा की थी, दराज के आगे, इसके आगे की तरफ ज़्यादा इसको ना मैंने नहीं लटकाया क्योंकि वो बार बार दराज को खोलते बंद करते हैं ना तो वो ख़राब होती है। दोस्तों चेक दिस आउट, आज हमारे घर क्या पक रहा है। आज हमारे घर पक रहा है द ग्रेट चोंगी, और ये मैं नहीं बना रही आज, सोचा तो था मुश्किल से मुश्किल काम उठा के ले गया। बहनों पता है कि दरअसल ये लोग ना सारे औखे काम लेना चाहती हैं मेरे से। मैं कहा नहीं मैं बुद्धू ना बना, इसलिए मैं कहूँगी मैं थकी हुई हूँ और मैं नहीं बनाऊँगी। और दोस्तों यहाँ पर पक रहा है कीमा और यहाँ पर पकती है दाल, काली दाल। यम 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 यम। ये चूरी किसने छोड़ी है? चूरी किसने छोड़ी है? ये चूरी ये देखो, ये रोनी शक्ल साथ बैठी। ओए आप बाहर लेके जाओ, सारी ट्रैफिक अंदर जाम हो गया है। उसको दिखाओ कि खाना और रोटी किस तरह पकती है। ऐसे होती है बच्चे, कुछ नहीं करती। हाँ देखो दोस्तों, देखो कितना कुछ कारियां ने मेरियां भरजाइयां, तुम एवं याद हो काम नहीं कर दिया। ओ यार, ओ हाँ ये तो मैं बताना भूल गया, आज हमारे घर पक रही है, बनने वाली है। सारे रोना सारी दुनिया मुझे मोटा करने पे तुल गया। अच्छा ये देखें हमारा जरा सेटिंग चेक करें, कितना खूबसूरत इस टाइम ना सूरज निकला हुआ है। और बाट साहब धूप में बैठ के रोटी खाने लगे हैं, क्योंकि नीचे तो मेरी कुल्फी बनने वाली थी, इतनी मुझे सर्दी लगी है। और मैंने ना सॉक्स पहनी थी सुबह फजर के बाद, तो मसला ये हुआ कि ना मैं फिर काम में लगी तो मेरी सॉक्स गीली हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं ज़रा अब ज़ोहर पढ़ूँगी तो फिर दूसरी बार वज़ू के टाइम पहनूँगी। सो अभी बार खाना खा के ज़ोहर पढ़ूँगी और फिर मैं सॉक्स पहनूँगी और फिर मेरी को बचत होगी। तो इतनी सर्दी लग रही है। जो बड़े भाई हैं ना और मेरी अम्मी, ये बहुत बड़े बागबान बंदे हैं और इन्हीं की वजह से हमारे घर में ना बड़ी ग्रीनरी और खुशहाली सी नज़र आती है। ये लोग ना अपने प्लांट्स लगाने के माहिर हैं। हमारा ये जो एरिया ना, ये जो मैं जिसको गार्डन एरिया कहती हूँ, जो कि आजकल तबाह हुआ हुआ है, ऐसे लगता है यहाँ पे कोई टोर्नेडो आया था। सारे जो पत्ते हैं ना वो आजकल घिरे हुए हैं। सो यहाँ पर काम इतना ज़्यादा हो रहा था कि हम लोग भी इधर नहीं आए काफ़ी टाइम से ना। सर्दी भी बहुत ज़्यादा रही है और अब जब धूप निकलती है तो हम छत पर चले जाते रहे हैं। सो यहाँ पर ना ये जो है ना 5-6 नए पौधे लगे हैं। ये जो पौधे हमने लगाए ना, पहले यहाँ पे कुछ और लगे हुए थे तो वो अम्मी ने अब रिप्लेस किए हैं। वो ना ज़्यादा इधर फ्लोरिश मतलब वो नहीं हो रहे थे, यहाँ पे ना बड़े नहीं हो रहे थे, ख़राब हो रहे थे बल्कि उल्टा। तो यहाँ पर मेरी मुर्गियाँ होती हैं और उनके बिना घर का कोई हाल नहीं है। यहाँ पर मैं बैठ गई थी। अच्छा मैं वो बंदा नहीं हूँ जो मतलब ये गोडियाँ करे या पानी दे, मैं वो बंदा हूँ जिसको ये चीज़ें लगी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। दोस्तों हम देखें, हम अकेले हैं, बिल्कुल बिल्कुल अकेले, और हम शॉपिंग भी जा रहे हैं। लेट्स गो। तो बस जनाब आज हम इतनी शदीद किस्म की शौकियाँ हुई थी, बच्चे सो गए थे और यकीन करें 5 के 5 माशाल्लाह 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 सोए हुए थे। हमें यकीन ही नहीं आ रहा था और हम लोग फ़ौरन से तीनों ना जल्दी से हमने अपने पर्स पकड़े और हम शॉपिंग पे निकल के छोटे से विंडो शॉपिंग के ट्रिप पे निकले थे। और जो जो हमने लिया वो मैं आपको एंड पे दिखाऊँगी। हमारे रोड पर बहुत अच्छी एक शॉप है, बहुत रीज़नेबल चीज़ें होती हैं यहाँ पर, लेकिन आप आके थोड़ी बहुत ना इन्होंने एक्सपेंसिव खा ली। ख़ास तौर पर बच्चों की जो एक्सेसरीज़ है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है। बाकी जो यहाँ पे कपड़े हैं ना वो एक्सपेंसिव नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो एक्सेसरीज आती हैं ना बच्चों की या चॉइस वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इधर। क्यूट यार, ये मुझे लेने नहीं दे रही है। देखिए कितना क्यूट है। नहीं कुछ नहीं चला ना, नाइस ना। ये चाइल्डिश सी मेरी कुछ आदत है। मुझे ना छोटी छोटी बच्चों वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बेशक अब अम्मा जी बन चुके हैं लेकिन अंदर का बच्चा ना वो नहीं बनता। जो हम लोग गए ना, मैं ज़्यादा तो वीडियो नहीं बना सकी और यहाँ पे ना मार्केट में वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल है। सो जो हम लेके आए, थोड़ी सी चीज़ें लेके आए, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो जनाब पहली जो चीज़ लेके आए हैं वो है ये मेकू का, मेरा के लिए लेके आए हैं एक छोटी सी फ्रॉक है, ड्रेस टाइप। सो ये हमें बड़ी अच्छी लगी, पोल्का डॉट्स हैं छोटे छोटे से और इस तरह कुछ इसका नेकलाइन बनी हुई है। और ये पर्पल कलर की बहुत क्यूट थी, बहुत रीज़नेबल मिल गई थी हमें। ये हमें मिली थी बहुत ही रीज़नेबल, यकीन करें ये हमें मिली है 700 की। और ये एक लिया हमने हरब्यार के लिए, ये इसका और अमार का ना हमने सेम लिया। ये दोनों बीबीज़ का ना ये अच्छा, जैसे हम लोग पहनाते हैं ना सलार और दानियाल को सेम, और फिर अब आगे हमने अमार और हरब्यार के दोनों के अक्सर सेम लेते हैं। तो ये दो उन दोनों के हो गए थे। और उसके बाद ये एक मेहू के लिए एक वो लिया था, ये कितना क्यूट है, बनी बना हुआ है छोटू सा। सो एक ये है वाइट लेने का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। पहली बार जो पहनना है वही पहनना है। उसके बाद एक ये सालार के लिए, ये देखिए कितनी खूबसूरत है ये। सो एक ये है, और एंड पे हमने ये वाले भी लिए थे। ये मुझे इतने क्यूट लगे हैं, ये हरबियार के जॉगर्स लिए हमने। हाउ क्यूट ये आर। लेट मी शो यू वन थिंग। हाँ ये देखिए कितना प्यारा है ये इतना टाइनी सा है ना, और काफ़ी बड़ा लग रहा है इसमें, लेकिन इतना नहीं है। सो ये हमें मिले थे 1800 में, बहुत रीज़नेबल मिल गया यार। तो ये थी हमारी आज की शॉपिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और दुआ में आपने ज़रूर याद रखना है। ओके जी, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।